अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अन्या चारण के गांव कामली के निवासियों को गांव के पास से गुजरने वाली नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते से होकर किसान अपने खेतों पर खेती करने के लिए जाते हैं, वहीं बच्चे इसी नदी से गुजर कर पास के गाँव चांजनपुर गाँव में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वही नहीं, अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे भी यही से एकमात्र रास्ता है जिस पर से ग्रामीणों ने नदी पर पानी खाली होने व स्वयं जुगाड़ के सहारे कच्चा पुल का निर्माण कर दिया। पर अब बरसात के दिनों में पानी आने से यह पुल बह जाएगा और बरसात में लोगों को इस नदी से निकलने के लिए फिर बड़ी समस्या के साथ पानी में से निकलना पड़ेगा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस नदी में मगरमच्छ होने से पानी में निकलने में हमें बहुत डर लगता है। मगरमच्छ कई बार हमारे पशुओं के बछड़ों को निगल गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन किसी ने ग्रामीण जनों की नहीं सुनी। और इस विषय में ग्रामीणों ने जब क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ को अवगत कराया तो विधायक ने ग्रामीणों के दुख सुनकर तुरंत आनंद फानंद में पुल निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए स्वीकृत किए। पर ग्रामीणों का कहना है कि इस राशि में तो पानी निकालने के सीमेंट के नाले आना भी असंभव है। इस राशि में तो जुगाड़ का पुल भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इस नदी में 8 से 10 गांव का पानी आता है। सरपंच ग्राम पंचायत अन्या चारण, सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे ग्राम कावली में एक पुलिया, जिससे सर यूँ मान के चलो कि पूरे गाँव के लोग परेशान है, और आज से नहीं 15 महीने से परेशान चलते आ रहे हैं। और कई बार हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया और ग्रामीण जनों ने जाकर वहाँ पे उनको सूचना भी दी, प्रस्ताव भी दिए, सारी चीज़ें नहीं मान के करोगे हमने करी वहाँ पे, फिर भी अपने माननीय विधायक साहब ने 1.5 लाख की राशि हमको दी। अब 1.5 लाख की राशि में सर ये पुलिया जो अभी नज़र आ रही वर्तमान में, ये पुलिया संभव ही नहीं, सर पाइप ही नहीं आते इसके। सर ये पुलिया मतलब अभी पानी, पहले नदी का पानी भरा हुआ था, अब पानी टूट गया तो वे पुलिया बनाने के हिसाब से मैंने शासन प्रशासन को सबको अवगत करा दिया। और यहाँ के जो ग्रामीण जन है, इनके लगभग ही मान के चलो सर आपके 100 से 150 हेक्टर ज़मीन इस तरफ है, तो उनको आने जाने में परेशानी है, पशुपालन को निकलने में परेशानी है, बच्चे बच्चे को स्कूल जाने में परेशानी है, जो हाई सेकेंडरी स्कूल जाते सांजलपुर उसमें परेशानी है। यहाँ पे शासन वाले भी आके दे गए सभी, तो उन्होंने अभी तक कोई निराकरण नहीं लगा इसका, और हमको ऐसे हाँ बन जाएगी ने अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने समय से आश्वस्त कर रहे हैं आपको? उसको नहीं मान के चलो आप 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दूल्हे सिंह सिसोदिया अन्य चरण। अब आने लिए आप लोगों की यही निवेदन है कि विधायक साहब तक पहुँचे या तो यानी मतलब जो है रोड को निराकरण लागे, तो मान लो कि आका गांव की सुविधा है और बहुत मतलब जो है पूरी गांव को 1000 लोगों की बस्ती की आवक जावक यानी रोड पर, अब 38 ज़्यादा और कहीं बताई सका आप, बहुत खतरा हो यहाँ बच्चे बच्ची पढ़ने के, बच्चा बच्ची यहीं सांजलपुर पढ़े, अब यहीं से अणी रास्ता से निकले ना, बारिश पड़ जाए तो जदी जाए पाइप भी जाए, पाचा कोई स्थिति रहे नालों पूरा आवे और बड़ो भयंकर खतरा हो या। तो और इधर आपके गांव की खेती भी है या खेती मतलब कम से कम 50 एकड़ जमीन को खेती यहाँ नहीं बगले पड़ी रही, अब यहाँ रोड आई गयो, अब यो सबसे बड़ो तो नालो यो है, अब यो नारो पार करो वहाँ तो पसीनो आवे, यह सबसे बड़ी समस्या है साहब माँ के यहाँ की। अगर समय पे नदी खाली नहीं होती तो किस प्रकार से आप अब यहाँ से जमीन क्रॉस करते हो? साहब पानी में उतरना पड़े तरह तरह पानी, माता माता माड़ा पानी में, और वह खेती 12 काड़ा में माता माता माड़ा में, माता माता हमारा बार बार कड़ान बार बार उतरा, मगर अगर की भी इतनी परेशानी की यहाँ डांडोर कड़ो छोटा छोटा पाड़ा पाड़ी हुए खेड़ो खेड़े तो मगर उन्हें ही पकड़ ले, अब मना की भी तो बड़ी मुश्किल थी, कड़ा बाटा फेंक उन्होंने भगावा मगर पच्चे कड़ा यहाँ ऐसी स्थिति यहाँ, अब लागू मगर ही तो इंदा भी आता का, तो अब कहीं करा पहले भी हादसा हो चुका है, अब ये तो कोई एक दो बार भैंसा पकड़ ली पाड़ा पाड़ी के छोटा छोटा पकड़ लियो, तो उनको पग पकड़ लियो बापड़ा को, फिर हाथ पकड़ियो बड़ी मुश्किल थी काढ़ियो, झालावाड़ जन ऑपरेशन करायो यदि जन सुधरियो। क्या नाम आपका? मारो नाम मोहन सिंह है साहब, कामली रूँ, अब खेती सब मारा कूड़ा बावड़ी सब ही आई गया, या रोटी दिन आयो टिप्पणी मारा हाथ में, अब उन सब रोटी दिन आया जी, या देख लो अब आप लोग मिल गया टीएम पर जब यह बात कहने ही रही आप थी, कई करा घनी बड़ी समस्या है। कैनन न्यूज के लिए भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।